तो गाइस अभी सुबह के यहाँ पे 6 बज रहे हैं, वो पूरा रात हो चुकी है, रात नहीं हो चुकी मतलब सुबह हो चुकी, फिर भी अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और हम लोग यहाँ पे सफारी के लिए निकलते हैं। गाड़ी अभी हमारी काफ़ी साफ कर रहे हैं, जैसे गाड़ी साफ़ हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं सफारी के लिए। गार्ड अभी वहाँ पे 15 मिनट लगेगा उसको आने में, हम लोग निकलेंगे आज, हो सकेगा कल शाम में हम लोग को टाइगर नहीं दिखा था, हो सकेगा आज शाम तक टाइगर हम लोग यहाँ पे देख पाए, मज़ा आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। आगे के जिस चल रही है उसको उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पहुँचने वाले हैं डेला जोन के पास। गाइज मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ सफारी के पास, मतलब यहाँ पे डेला गेट की एंट्री है और हम लोग यहाँ से बस निकलेंगे। गाड़ी अपनी इधर पार्क कर दी है और ये देखिए यहाँ पे एंट्रेंस है। सुबह के लगभग 6:40 हो रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आज, टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके कल आपने झिरना घूमा ही है, कल ये वाला पार्ट आपने मेटल रोड वाला पार्ट अपने जाते वक्त देखा होगा, बट आज आपको दिखाएंगे ढेला जोन के अंदर वाले ट्रैक। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे जंगल का ग्राउंड मार लेंगे। मेटल रोड पे साइटिंग ज़्यादा है तो कहीं भी घूम के आएंगे ना तो मेटल रोड पे ज़्यादा जोर करेंगे भाई लोग। ठीक है, सुबह का टाइम है, बार बार बताते रहते हैं कि टाइगर अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट करता है जी, कभी भी आपके सामने से टाइगर लेपर्ड या कोई भी मतलब एनिमल निकल सकता है, तो नज़रें सामने रखना अभी मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, लिया टाइम पीछे नाला टाइम पड़ा था ना, पत्थर वाला सामने सामने आ रहा है, दिख रहा है काला काला दिख रहा है। इससे देखो कितना खूबसूरत है, कितने बड़े एंटी ला रहे हैं उसके, सींग देखो दिख रहा है। यहाँ पे एक फीमेल है, उसके दो बच्चे हैं, लेते हैं झिरना जोन का स्टार्टिंग पार्ट और ग्रासलैंड लेते हैं डेला जोन का पूरा, इसलिए हम आपको इसलिए बताया। आग के बारे में तो कई दफे बता चुके हैं, फिर बता देते हैं भाई, इस टाइम पे गवर्नमेंट कंट्रोल फायर करती है, कंट्रोल फायर इसलिए करती है अगर इसको अभी ना जलाए ना तो भाई जो है खुद आग लगे भाई जंगल जलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट आपका फरवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में आपका ये फायर सीजन करना शुरू कर। अच्छा हुआ है ये इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज होगी ना, ये झाड़ियाँ बहुत खराब है, सबसे पहला खराब होने का कारण भाई ये जंगल में बहुत जल्दी फैलना है, दूसरा इसके नीचे कोई ऐसे केव जैसे बना था कोई वेजिटेबल नहीं होता, तीसरा इसे कोई एनिमल अपने फूड चैन में ले लेता है, चौथा इसे कट लगाओ तो 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, तो हर साल गवर्नमेंट में इसे हटाने के लिए मैन पावर की जो लेबर लगानी पड़ती है वो इसे जड़ से उखाड़ती है और इसकी जड़ भी जमीन में लगने देती है, इसकी जड़ जमीन में लग गई ना ये दोबारा हो गया। ठीक है, ढेला जोन में आप नेचुरल फॉरेस्ट में और एक प्लांटेड फॉरेस्ट में कैसे गैस करोगे कि नेचुरल है या प्लांटेड है, देखो बताओ कैसे करोगे। देखो जो नेचुरल होगा ना वो इस तरफ देखो पूरा ज़िगज़ैग है और डेंस है, और इधर जो दिखाओ इधर जो प्लांटेड है इधर एक सीरियल वाइज पेड़ लगे हुए। उस टाइम में गवर्नमेंट क्या होता था, जमीन जो खाली जमीन रहती थी वाइल्ड लाइफ में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए इन पेड़ों को लगा देती थी जिससे अच्छा रेवेन्यू मिले, जिसमें टीक हो गया और जिसमें यूकेलिप्टस हो गया, सफेदा जिसे बोलते हैं इन पेड़ों को, बट आज इन्हीं पेड़ों की वजह से गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है, इन्हीं पेड़ों की वजह से करोड़ों का प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है, सेव द ग्राउंड वाटर है ना, तो ये जमीन का पानी खत्म कर रहा है। अभी ऑल उत्तराखंड से टीक वुड हटाने का ऑर्डर आ गया है, बट रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से अलग से परमिशन रहेगी, अभी इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से तो नहीं हटना बट बाहर से हटना शुरू कर दिया। वगैरह डाल देते हैं, आम और लीची अच्छी होती है ना, ये अभी छोड़ता नहीं,
क्या ना, हाथी का खाया हुआ दोबारा उग जाएगा, हाथी का दबाया हुआ दोबारा नहीं उगता। हाथी को एक बार दबा देता है ना भाई, बहुत तगड़ा नुकसान कर देता है, मतलब खत्म कर देगा पेड़। ये मेल का ग्रुप लग रहा है हमें, कैंटिलर है ना। रखने की वजह से बहुत सारी फायदे मिलते हैं, और गाड़ी वाले आपको बता भी देते हैं, जिन्होंने बताया कि अगर एलिफेंट मिले और अलार्म कॉल मिले तो ये फायदा होता था। तो देखते हैं उस तरफ, इन्हें तो हाथी नहीं दिखे, क्या पता हम लोगों को दिख जाए। फॉलो को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। एलिफेंट बताए थे, ठीक है, दूर दूर तक एलिफेंट को दिख रहा है, हो सकता है एलिफेंट अंदर हो और पेड़ वगैरह तोड़ है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा राउंड वगैरह लगा के यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, अब यहाँ से अंदर डेंस में चले जाना, शायद हो सकता है कि इधर देखते हैं तो
बड़ी यार देखो, पता नहीं किस बारे में चर्चा चल रही थी।